हेलो, वेलकम सभी का जिसने भी स्ट्रीम ज्वाइन कर लिया। हम आ चुके हैं अपने GNU इंटर यूनिवर्सिटी COD मोबाइल चैंपियनशिप 2022 के मैच नंबर फर्स्ट की तरफ, फाइनल्स के मैच नंबर फर्स्ट की तरफ। ये अपना हो रहा है मैप आइसोलेटेड। टोटल ऑफ अगर टीम्स की बात करी जाए तो टोटल ऑफ 17 टीम्स अभी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। ओके, सो एक टीम और हो चुकी है एलिमिनेट एंड इसी के साथ 16 टीम्स हमारे साथ मौजूद है टोटल ऑफ 56 प्लेयर्स के साथ। ओके, सो चल के देख लेते हैं एक बार अपने मैप की साइड में। मैप अपना देखने को मिल चुका है, सारी टीमें लगभग जोन के अंदर है। जो जोन के अंदर नहीं है वो जोन के अंदर आ रहे हैं। सो कोई दिक्कत होने नहीं वाली है जोन के अंदर आने के लिए सबको। अभी अगर चल के देखा जाए जोन के सेंटर के अंदर, जोन के सेंटर के अंदर काफ़ी ज़्यादा टीम्स होल्ड करती हमें देखने को मिल रही हैं। चल के देखेंगे हम जोन के सेंटर के अंदर भी वहाँ पर किस तरीके से हमें फाइट्स वगैरह देखने को मिलने वाली है। अदरवाइज अगर बात कर जाए फिलहाल इस जोन में तो हमें कुछ ऐसा देखने को नहीं मिलने वाला। चल के देखते हैं फिलहाल जोन के अंदर अगर चल के देखा जाए तो सेंटर ऑफ द जोन हम आ चुके हैं। फिलहाल देखते हैं यहाँ पर हमें फाइट्स वगैरह देखने को मिलने वाली है काफ़ी ज़्यादा, एंड यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा टीम्स देखने को मिल भी नहीं है। अगर बात करें J4 की, सो J4 तो बैठे हुए फुल फॉर्म स्क्वाड के अंदर, इनके सामने हमें देखने को मिल जाएंगे दो टीम्स फाइट लेते हुए। टीम नंबर 3 की तरफ हमें चल के देखना पड़ेगा। 03 की तरफ चल के देखते हैं फिलहाल किस तरीके से हमें फाइट लेते हुए देखने को मिल रहे हैं। 03 की तरफ अगर चल के देखें तो कहाँ पर हैं ये रहे। ओके, सो देखते हैं फिलहाल यहाँ पर एक नॉकआउट हमें देखने को मिल रहा है। एलिमिनेट यहाँ पर कर दिया जाएगा और इसी के साथ न्यूक्लियर AK-47 के साथ हमें देखने को मिल रहा है एक्शन के अंदर। अगर चल के देखें फिलहाल J4 की साइड में, J4 हमें बिल्कुल इनके सामने देखने को मिलने वाली है। सो यहाँ पर फाइट हमें देखने को मिलेगी बहुत ही शानदार। अगर चल के देखा जाए फिलहाल जोन के सेंटर में एक और जोन हमें बनता हुआ देखने को मिल रहा है। सो अगर बात करी जाए फिलहाल जोन के बाहर की, तो जोन के बाहर हमें काफ़ी ज़्यादा टीम्स देखने को ऑलरेडी मिल रहे हैं। जोन के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा टीम्स है, जोन के बाहर भी काफ़ी ज़्यादा टीम्स है के साथ और एलिमिनेशन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चल के देखते हैं, लेट्स सी अभी अगर जोन के अंदर चल के देखा जाए तो यहाँ पर हमें फाइट्स देखने को मिलने वाली है काफ़ी ज़्यादा ही टीम्स के, हेलीकॉप्टर में आते हुए B2। तो इसी के साथ लेट्स सी B1, B2, B4, B चल के देखें फिलहाल अगर टीम N की साइड में, तो N में यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे साइबर अज्जू भाई, क्या बात है अज्जू भाई, एंड उनके साथ साथ हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे स्वास्तिक इनकी टीम के अंदर। बाकी दो प्लेयर्स की तो यहाँ पर पेटीएम देखने को मिल चुकी है। टीम एस में चल के देखे अगर सब फिलहाल माहिब के साथ में गॉडज़िला एंड डीमन हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, ओके, एंड इनके सामने से यहाँ पर रोटेट करते हुए जा रहे हैं टीम ना। ओके, सो टीम पी इनके सामने से रोटेट करते हुए जा रहे हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पर इनको स्प्रे देना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, टीम पी जहाँ से निकल जाएंगे। चल के देखता फिलहाल वापस से जोन की साइड अगर अपना, तो जोन हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। ओके, सो जोन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है सर्कस इन द सेंटर ऑफ द जोन। एस्टेट भी यहाँ पर हमें जोन के अंदर देखने को मिल रहे हैं। जोन के बाहर की अगर बात करें फिलहाल, तो फार्म हो चुके हैं जोन के बाहर, डॉक हो चुके हैं जोन के बाहर, न्यू विजन सिटी भी जोन के बाहर हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सो लेट्स सी अभी अगर जोन के अंदर थोड़ा सा देखे तो जोन के अंदर काफी ज्यादा टीम्स अभी टोटल ऑफ सर्वाइव कर रहे हैं यार। मेरे ख्याल से यहाँ पर ज्यादा लंबा मैच अपना बचा नहीं है। एक और प्लेयर का नॉकआउट हमें देखने को मिल चुका है डीमन का, गॉडज़िला के साथ साथ माहिब एंड यहाँ पर पैंथर। ओके, सो पैंथर की भी बेटी बन चुकी है माहिब के साथ, गॉडज़िला यहाँ पर सर्वाइव करते हमें देखने को मिल रहे हैं इन टीम नंबर एस। और अगर चल के देखा फिलहाल एक और टीम का एलिमिनेशन चार्ज हमें देखने को मिलने वाला बहुत ही जल्द। फाइट चल रही है, चल के कहां पर चल रही है ये फाइट, टीम सी, ये रही अपनी टीम सी। चल के देखते हैं फिलहाल यहां पर हमें फाइट देखने को मिलेगी, सामने इनके जस्ट एक टीम हमें देखने को मिल रहा है, थ्रोएबल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। लेट्स सी अब यहां पर अगर बात करी जाए फिलहाल इनके सामने वाली टीम की, मेरे ख्याल से कांटे की टक्कर हमें यहां पर देखने को मिलेगी। निकाली है स्नाइपर, मारना तो चाहते हैं सामने यहां पर अगर देखे उस असॉल्ट राइफल ही है, स्नाइपर नहीं है। टीम एल में यहां पर रश किया जाएगा, निकाली जाएगी शायद से फाइट, मारा जा रहा है और इसी के साथ एक और नॉकआउट और एक फिनिश हमें यहां पर देखने को मिल चुका है। नॉकआउट यहां पर भी देखने को मिल चुका है, पैंथर की साइड से हमें एक नॉकआउट, पैंथर नहीं है, आई एम सो सॉरी। अभी अगर बात करें जा फिलहाल तो इसी के साथ मेरे ख्याल से एक 1v2 हमें देखने को मिल सकता है। 1v2 क्लच अगर हमें देखने को मिला सीओडी डेविल के साथ, हमें यहां पर देखने को मिलेंगे सामने। अगर चल के देखा जाए सीओडी डेविल के साथ में हमें देखने को कौन मिलेंगे, चल के देखते हैं फिलहाल उनकी साइड। सीओडी डेविल के साथ हमें प्रांजल देखने को मिलेंगे, प्रांजल को शायद से नॉक किया जा सकता है, बट प्रांजल ने वहां पर निकाली है फाइट एंड इसी के साथ ड्रंक ड्रेड की पेटी बना दी जा चुकी है, भेज दिया गया लॉबी।
चल के देखते हैं सीओडी डेवल के पास। सीओडी डेवल एंड प्राजल ने यहाँ पर जो फाइट निकाली है काफी शानदार, तारीफ के काबिल। टोटल ऑफ 5 फिनिशेस अब यहाँ पर सिक्योर करे जा चुके हैं। चल के देखते हैं फिलहाल टीम एम की साइड में एज अ लास्ट में स्टैंडिंग हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे स्मिथ रॉल। तो यहाँ पर देखते हैं फिलहाल क्या देखने को मिलने वाला है। हाईएस्ट ओपी की साइड अगर चल के देखा जाए तो हाईएस्ट ओपी के साथ ग्लास टी एंड यहाँ पर हमें देखने को मिलने वाले हैं अक्ष पूल। एंड अगर चल के देखें फिलहाल टीम पी की साइड में तो यहाँ पर पीओ के से एक नॉकआउट हमें यहाँ पर देखने को मिल चुका है कर्सिव का, एक प्लेयर की ऑलरेडी पीटी बन चुकी है। चल के देखते हैं फिलहाल रॉकस्टार की साइड में, रॉकस्टार के साथ साथ यहां पर हमें देखने को मिलने वाले कैंडी हुंदी सी। सो हमें फाइट एक देखने को मिलने वाली है इनके जस्ट सामने, बहुत ज्यादा क्लोज हमें देखने को मिलेगी एक टीम। सो इनको भी डैमेज दिया जा रहा है, मेरे ख्याल से इनको फाइट लेनी चाहिए, बट कोई बात नहीं, फाइट लेने के मूड में भी लग नहीं रहे हैं। तो देखते हैं फिलहाल कहां पर जाना चाहते हैं। जोन हो चुका और भी ज्यादा छोटा, सर्कस अभी हमें जोन में देखने को मिलेगा और इसी के साथ काफी ज्यादा फायर यहाँ पर आता हुआ इनके भी पास में और इन्होंने एक नाक हमें देखने को मिल चुका है। क्या ही बात है, बहुत ही प्यारा नाक एंड फिनिश हमें यहाँ पर देखने को मिला है किंग ऑफ, ओके सो किंग ऑफ नाइट, क्या ही बात है। अगर बात करी जाए फिलहाल इनकी तो रॉकस्टार, अरे रॉकस्टार क्या बात है, बहुत ही प्यारी फाइट हमें यहाँ पर देखने को मिली है रॉकस्टार की साइड से। सामने हमें यहाँ पर देखने को स्नाइपर निकाल ली जा चुकी है, सामने एक और फाइट चलती हमें देखने को मिल रही है। सो यहाँ पर ये इंटरफेयर करना चाहते हैं उस फाइट के बीच में, क्या किल चुराया, नहीं किल तो नहीं चुराया और इसी के साथ यहाँ पर हमें एक एलिमिनेशन देखने को मिल चुका है। ओके कवर देना चाह रहे थे, हो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी 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 अरे बाप रे, ठीक है ओके। सो P4 की साइड हम आ चुके हैं, P4 ओके कैंडी हुंदी सी ने निकाली है गाड़ी, जा रहे हैं लूटने के लिए, देखते हैं क्या लूट इनको मिलने वाली है। अगर मैप की तरफ वापस से चल के देखा जाए तो काफी कम टीम्स हमें यहाँ पर खेलते हुए देखने को मिल रही है। सो टीम की तरफ एक बार चल के देख लेते हैं, टीम बी की तरफ हम चल के देखें तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है फुल फॉर्म स्क्वाड, और साथ ही साथ टीम बी की तरफ अगर चल के देखा जाए तो फुल फॉर्म स्क्वाड यहाँ पर भी अलाइव है। टीम डी तो एलिमिनेटेड ऑलरेडी, टीम जी की तरफ एक बार चल के देखा जाए तो जी यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। ओके सो यहाँ पर भी फुल फॉर्मेंस स्क्वाड है, चाकू निकाला हुआ है, चाकू तो एक मतलब वन शॉट किल होता है, सो यहाँ पर मेरे ख्याल से वन शॉट किल काफी काम आ सकता है। टीम जे की साइड चल के देखा जाए सो वी हैव टीम जे एंड फुल फॉर्मेंस स्क्वाड, लेट्स सी लेट्स गो टू टीम एल, टीम एल सीओडी डेविल एंड प्रांजल इन डुओ सिचुएशन, लेट्स गो टू टीम एम, ओके सो स्मिथ रोर इन सोलो सिचुएशन, we can see team N in cyber ajubhai and swastik in duo situation and एमओ, ओके सो एमओ शादा बिल्कुल इनके सामने हमें देखने को मिलने वाले, स्नाइपर निकाली है, शॉट्स का नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, नहीं बिल्कुल नहीं। सो शादा यहाँ पर हम देख सकते हैं फिलहाल फुल सेफली जा चुके हैं, अभी रोटेट करते हुए जाएंगे जोन के अंदर। जोन यहाँ पर हम देख सकते हैं फिलहाल बहुत ज्यादा छोटा और इसी के साथ कहीं ना कहीं फाइट चलती हमें देखने को मिल रही है। सो लेट्स सी कहाँ पर ये फाइट होती है हमें देखने को मिलने वाली है। जोन की तरफ अगर चल के देखे तो जोन सर्कल को अब भी फेवर कर रहा है, सर्कल अब भी यहाँ पर इन जोन हमें देखने को मिलने वाला है। लेट्स सी जिस तरीके से हमें सर्कल देखने को मिल रहा है, काफी ज्यादा टीम इन द सोन इन द सर्कल हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके साथ यहाँ पर निकाल ली गई है गाड़ी, गाड़ी के थ्रू जोन के तरफ जाया जाएगा और मेरे ख्याल से उतना टफ नहीं होने वाला, काफी इजी रहने वाला है जोन के अंदर जाने के लिए। अज्जू भाई को भी गिरा दिया जा चुका है, सो अज्जू भाई की भी पेटी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। सामने अगर चल के देखे टीम एम यहाँ पर हमें देखने को मिलने वाला थे टीम एम की साइड से, ओके जोन के पास से भी होके आ चुके हैं, टीम ई के ऊपर ठोक दी जा चुकी है गाड़ी। साहिल वर्सेस यहाँ पर हमें देखने को मिलने वाला स्वास्तिक 1v1 एंड इसी के साथ साहिल को कर दिया गया नॉक, स्वास्तिक को भी कर दिया गया एलिमिनेट। फाइनली इसी के साथ स्वास्तिक की टीम स्वास्तिक के साथ ला चुकी है अल्लाह भी। और अगर चल के देखा जाए फिलहाल टीम जी न्यूक्लियर, न्यूक्लियर यहाँ पर हमें देखने को मिलने वाले इन जोन फिलहाल। तो चल के देखते हैं जोन हमें किस तरीके से, ओके जोन और छाटो और जोन और भी ज्यादा छोटा हमें देखने को मिल रहा है, सर्कस की साइड पूरा का पूरा जोन और सर्कस अभी जोन के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। सो लेट्स सी देखते हैं फिलहाल इस तरीके से हमें यहाँ पर फाइट्स वगैरह देखने को मिलने वाली है। अभी अगर चल के देखा जाए फिलहाल जीवन न्यूक्लियर की तरफ, तो न्यूक्लियर के सामने यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी पूरी की पूरी टीम। तो यहाँ पर अभी काफी ज्यादा टीम्स ऑलरेडी सर्वाइव कर रहे हैं, मेरे ख्याल से न्यूक्लियर को भी बच के रहना चाहिए, कभी भी पीछे से भी फायर आ सकता है इनके ऊपर से भी। अभी यहाँ पर देख सकते हैं फिलहाल अपन इनके ऊपर से भी हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ लेके गए हैं, शादाब इनके साथ में यहाँ पर लेटे हुए हैं, बिल्कुल क्या बात है, बहुत ही अच्छी तरीके से हमें फाइट्स वगैरह देखने को मिलने वाली है। अभी चल के देखते हैं फिलहाल इनके पास में, इनके पास में तो काफी ज्यादा टीम्स हैं, एयर ड्रॉप भी आ रहा है, एयर ड्रॉप भी आने ही वाला है।
तो चल के देखते हैं। फिलहाल एफी के साइड में एफी एंड डॉर्मोंड इज क्रेजी गेम और यार यहाँ पर हमें देखने को मिलने वाले 007 ऑन ड्यूटी। क्या बात है, ये तो घूम रहे हैं मजे से किल्स की तलाश में। हाइस्ट की तरफ एक बार चल के हम देखना पड़ेगा हाइस्ट की टीम क्या कर रही है। ग्लास डीओपी हाइस्ट एंड यहाँ पर अगर देखे फिलहाल एक्सफुल हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बहुत ही अर्ली एलिमिनेशन हमें देखने को मिला था इनके प्लेयर का जो फोर्थ प्लेयर रहने वाले थे इनकी टीम में। सो फाइनली हमें फाइट यहाँ पर एंगेज होती हुई देखने को मिल रही है और इसी के साथ क्रोमा वाइटी को कर दिया गया नॉक। न्यूक्लियर ने यहाँ पर निकाली है फाइट, क्रोमा वाइटी को दिया गया नॉक। चल के देखते हैं फिलहाल सीओडी डबल के साइड में सीओडी एंड प्रांजल यहाँ पर लेते हैं फाइट। सीओडी डबल दे रहे हैं फायर, प्रांजल चला रहे हैं, प्रांजल इन कंट्रोल। एंड अगर चल के देखे फिलहाल टीम जी की साइड में परफॉर्मेंस कार्ड हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्या बात है, एक और नॉक हमें यहाँ पर देखने को मिल चुका है इस जोन के अंदर, इस सर्कल के अंदर काफी ज्यादा मजा हमें आने वाला। और इसी के साथ न्यूक्लियर भी यहां पर नॉकआउट होते हमें देखने को मिल रहे हैं दिलशाद अजीजी की तरफ से। अगर चल के देखें फिलहाल टीम जी की साइड में, टीम जी में हमें यहां पर देखने को मिलेंगे ओके सो एक और प्लेयर न्यूक्लियर का हो चुका है एलिमिनेशन। एंड इसी के साथ बहुत ही प्यारा स्प्रे। एंड अगर बात करें जब फिलहाल कैंडी हुंदी सी को भी यहां पर नॉक किया जा सकता है, कैंडी हुंदी सी गॉट नॉक्ड आउट। एंड अगर बात करें जब फिलहाल इनकी टीम की एलिमिनेट होती हुई किसी बल हमें देखने को मिल जाएगी। सो इसी के साथ द बीस्ट की तरफ से हमें एलिमिनेशन देखने को मिल चुका है। सो सीओडी डेविल का भी एलिमिनेशन हमें यहां पर देखने को मिल चुका है। सो प्रांजल एज द लास्ट प्लेयर स्टैंडिंग फ्रॉम टीम एल ओके सो वी कैन सी प्रांजल इन सोलो सिचुएशन विद टोटल ऑफ देखने को मिल रहा है सामने पूरी की पूरी टीम इनकी साइड बढ़ते हुए। सो यहां पर देख सकते हैं फिलहाल अपन एफपीपी में हो के ओ बाप रे ओके सो मेरे ख्याल से स्कोपिंग करके मारा जा सकता था, स्पॉट तो अब भी किया जा रहा है बट शॉट कनेक्ट हमें यहां पर इतनी जल्दी देखने को नहीं मिलने वाला। टोटल ऑफ 3 टीम्स, द फाइनल शोडाउन बिटवीन टॉप 3 टीम्स टीम जे टीम एल एंड टीम ओ ओके सो यहां पर हो चुके जोन के बाहर द बीस्ट ओ बाप रे। एंड इसी के साथ इनके टीममेट को दे दिया जा चुका है नॉक एंड फिनिश। अगर चल के देखा जाए फिलहाल इनके टीममेट की तरफ तो एज द लास्ट प्लेयर स्टैंडिंग हमें यहां पर देखने को मिलने वाले हैं मिस्टिक। मिस्टिक ने यहां पर एक और फाइट निकाली है आई गेस। मिस्टिक यहां पर विद द क्लच हमें यहां पर देखने को मिलने वाले हैं। मिस्टिक यहां पर मेरे ख्याल से क्लच करते हुए हमें देखने को मिल सकते हैं मिस्टिक के सामने 1v1 बट मिस्टिक को भी कर दिया गया एलिमिनेट। सो विनर हमारे रहने वाले आज के एक्सफुल कॉल ऑफ ड्यूटी का ये इवेंट। फर्स्ट मैच हो चुका हमारा एंड टीम नंबर 15 हैशटैग विनर हमें देखने को मिलने वाली है। क्या ही बात है, मजा आया ये मैच देखने में, काफी ज्यादा मजा हमें यहां पर देखने को मिला था। और इसी के साथ हमारा फर्स्ट मैच होता है एंड। सो जो भी स्ट्रीम पे नए हैं लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब बताने की जरूरत है नहीं आपको, कहाँ पर होता है लाइक बटन, कहाँ पर होता है सब्सक्राइब बटन, आपको सब कुछ ऑलरेडी पता ही है। बाकी ये बात रही अगर अपने किसकी बात रही, हाँ एक बार दिखा देते सबके मतलब ठीक है सबके स्कोर्स एक बार दिखा देते हैं हम और उसके बाद ठीक है ओके। सो मोगी स्पोर्ट्स के डिस्कॉर्ड चैनल को भी ज्वाइन करना ना भूलिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मुगोई स्पोर्ट्स के इंस्टाग्राम चैनल का भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको भी ज़रूर से ज्वाइन करिएगा। हमारी एक न्यू राइवलरी लीग आने वाली है उसको भी ज़रूर से देखिएगा। वैलोरेंट की न्यू राइवलरी लीग आने वाली है जो कि बहुत ही शानदार रहने वाली है। और साथ ही साथ हमारा कैंपस मुगो का कैंपस एम्बेसडर भी हमारा चल ही रहा है। तो मुगो की तरफ से कैंपस एम्बेसडर जो भी बनना चाहता है मुगो के इंस्टा के पेज को जाइए और वहाँ पर मुगो के कैंपस एम्बेसडर के पोस्ट को जाके जल्दी से जाके वहां पर देखिए, लिंक आपको मिल जाएगा कैंपस एम्बेसडर को ज्वाइन करने के लिए। सो इसी के साथ हम लेते हैं अलविदा, आप सभी से मिलेंगे सेकंड मैच की ओर। तो तब तक के लिए गाइस ख्याल रखिएगा अपना, हम मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद।